नौशहरा वर्का से खबर शामिल करते हैं, जहां पर गैरत के नाम पर मसीही नौजवान कत्ल। मुलजमान ने डेढ़ माह कबल लड़की को भी कत्ल कर दिया था। शातिर मुलजमान ने लड़की कत्ल करके मकतूल रफाकत मसीह पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। बताया गया है कि हाबिल दोछा के रिहायशी रफाकत मसीह को मुलजमान जवेद इकबाल, अमजद अदनान वगैरह ने मौजू मट्टू भाई के सेम नाले के करीब से अगवा किया और कार में तशद्दुद का निशाना बनाते हुए साधु पगाला में अजीम गुजर के घर ले जाकर फंदा देकर कत्ल कर दिया। कुछ अरसा कबल मकतूल रफाकत मसीह और निमरा नामी लड़की घर से फरार हुए और मोजीन की मुदाखलत से निमरा को उसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया था। चालाक मुलजमान ने निमरा को एक माह कबल कत्ल करके उसकी लाश हाफिजाबाद नहर में फेंक दी। नहर से नामालूम लाश बरामद होने पर नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सदर हाफिजाबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। शातर मुलजमान ने निमरा को कत्ल करने के बाद उसके अगवा का झूठा मुकदमा रफाकत मसीह के खिलाफ दर्ज करवा दिया था। मकतूल रफाकत मसीह अगवा के मुकदमा में बेगुनाह साबित होने पर तहसील कचहरी से बरी होकर वापस गांव जा रहा था कि मुलजमान ने उसे अगवा कर लिया और मौजू पगाला में करीबी रिश्तेदार के घर ले जाकर कत्ल कर दिया। अहले देहा के इतला पर DSP खालिद असलम जिठोल थाना तत्ले आदि और थाना नौशहरा वर्का पुलिस के हमरा मौका पर पहुँच गए और मकतूल की लाश को कब्जा में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया।